नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजानंद सरस्वती ने मकर संक्रांति के अवसर पर भूपतवाला क्षेत्र स्थित स्वामी सर्वदानंद घाट पर निर्धन और असहाय महिलाओं को वस्त्र दान किए। पूजानंद सरस्वती ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ऐश्वर्य सेवा है। इसी महिला शक्ति को नमन करते हुए उन्होंने कहा, अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति का जीवन मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पूजानंद सरस्वती ने कहा कि व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के साथ रहते हैं, कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का लोक परलोक तय होता है। जिन लोगों को ईश्वर ने संपन्न बनाकर भेजा है, उन्हें अपने से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोगों की मदद के लिए स्वयं आते हैं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय सनातन संस्कृति में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्वों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर्व जीवन में पूर्णता लाता है और दान पुण्य और दूसरों की मदद की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति का विशेष पौराणिक महत्व भी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति स्नान जन्म जन्मांतर के पापों से भी निवृत्ति प्रदान करता है। सभी को ज्योतिषीय रूप से विशेष महत्वपूर्ण मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान के साथ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। हरिद्वार से हमारे संवाददाता ऋषभ चौहान की रिपोर्ट। क्रांति आज से नहीं, हमारे जन्मों के जितने भी पहले की रीति रिवाज है वो आज भी निभा रहे हैं। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजानंद सरस्वती बोल रही हूँ। मैं हर साल आती हूँ और इधर जितने से भी मुझसे होता है, मैं ये नहीं करती कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं करके बोलना नहीं चाहती। जो भी मेरा कर्तव्य, जिस भी लायक मुझे भोलेनाथ ने गंगा मैया ने बनाया है, मैं अपने हाथों से दान पुण्य करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जितने भी सनातनी हैं, सभी सनातनियों को दान पुण्य करना हमारा सबसे नीति है और यही हमारी परंपरा है और उसको हम सालों साल निभाते हैं। और सालों साल क्या, आपको अगर ईश्वर ने दिया है तो आप दान पुण्य करने में कोई किसी बात की रुचि मत करिए। दान पुण्य करना हमारा सनातनियों का परम अधिकार है। और कहते हैं ना, कोई ला किसी को ईश्वर ने कितना दिया है और किसी को कुछ भी नहीं है, तो अगर हमें दिया है तो हम अगर उसमें से कुछ दान पुण्य कर लेंगे सबसे बड़े पुण्य है। तो आज कम, हाँ नहीं, आज मैंने सबको, पहले आई थी तो कम्बल दिए थे, ठंड में सबों को कम्बल बांटे थे। आपकी मैंने देखा कि लोगों के ऊपर तन पे कपड़े नहीं है, फटे कपड़े वस्त्र हैं, तो मैं देख के गई तो मुझे बहुत अफसोस लगा, बहुत बुरा लगा। तो आपकी मैं सभी के लिए कपड़े लाई थी और उससे पहले मैंने भोजन विस्तृत करा था, सभी को भोजन दिया था। और मुझसे जितना भी होता है मैं करती हूँ और करती रहूँगी, ये मेरी नीति है। जब तक मेरी सांस में सांस है, इतना लेके प्रशासन ने यहाँ पे बहुत अच्छा कर रखा है इंतजाम, और ये अच्छी बात है। तो कहते हैं ना, कोविड से जितने भी लोग बचे जाएँ वो अच्छी बात है। सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए, जैसे मैंने भी मास्क लगा रखा है, मैंने एक पल भी मास्क नहीं हटाया। और अच्छा है, यहाँ के भी प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर रखा है और अच्छी बात है। घाट खाली है, साफ़ है, सफाई है, बहुत कुछ अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि भोलेनाथ, ये जल्दी से जल्दी महामारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जैसी नीति चलती रहती थी वैसे ही सब कुछ ठीक हो। और सभी परिवारों के लिए मैं मकर संक्रांति के लिए बहुत आतिश कामनाएं देती हूँ। ओम नमो नारायण। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।